गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम व्याकरण पाठ एक भाषा तथा भाषा के रूप में बारे में पढ़ेंगे। भाषा शब्द भाष से बना है जिसका अर्थ है बोलना। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इससे ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। ये भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। सोचो, यदि हमारे पास भाषा नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता। नीचे दिए गए चित्र में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वह नहीं कह पा रहा क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है। ऊपर दिए गए चित्र से स्पष्ट होता है कि भाषा के बिना हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप इस चित्र को देखें। मेरा नाम आलिया है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं सीमा हूँ। इस चित्र में आलिया और सीमा आपस में बातचीत कर रही हैं। ये जिसके माध्यम से बातचीत कर रही हैं वह भाषा है। अपने मन की बातों को जिसके माध्यम से बताते हैं वह भाषा है। अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरों के विचारों को समझना हम भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। बच्चों, चित्रों को ध्यान से देखकर बताएं कि चित्रों में क्या हो रहा है। अध्यापिका कक्षा में पाठ पढ़ा रही है और बच्चे पाठ सुनकर उसे समझ रहे हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। मुँह से बोली गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अमन अपनी कॉपी पर दिनों के नाम लिख रहा है और उसका मित्र उसे पढ़कर समझ रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। यह भाषा का लिखित रूप है। जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अतः बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना भाषा के काम है। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी, तमिल, पंजाबी, अंग्रेजी आदि। संसार के सभी जीव जंतुओं की भी अपनी अपनी भाषा है जिसे केवल वह ही आपस में समझ सकते हैं। आओ देखें किसकी कौन सी बोली है। कुत्ता भौंभो, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कौआ कां कां, बकरी मय मय, चिड़िया चीं चीं, चूहा चू चू। बच्चों, आपने इस पाठ में क्या सीखा? इसमें हमें बताया गया है कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। और इसमें हमें भाषा के दो रूप लिखित और मौखिक रूप के बारे में भी बताया गया है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और बच्चों ये दिए गए अभ्यास को हल करने का प्रयत्न करें। कल मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।